Good morning students, welcome to Maths class standard 3. We will continue our extra sums. So extra sum kar rahe hain bahut time se. So hum extra hi main filling the blanks answer in one word maine likh ke rakhe hain. So humne aage addition subtraction jo addition tha wo kitne types se alag alag types se ho sakta hai wo maine explain kiya. Aaj hum thode se question hai wo kar lete hain. So answer in one word. वन वर्ड में आंसर लिखने हैं, ये हमारा है एक्स्ट्रा. ओके, तो फर्स्ट है माय वन स्टैंड्स एंड 100 डिजिट इज 7. तो माय वन स्टैंड्स एंड 100 हम लिखेंगे यहाँ पे 100 10 एंड 1. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, माय वन स्टैंड्स एंड 100 डिजिट इज 7. तो इसका मतलब क्या है कि 1 तो 7 है, 10 भी 7 है और 100 भी 7 है. तो फिगर कौन सा बनेगा, नंबर हमें कौन सा मिलेगा, 777. क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझना है. माय 1 10 एंड 100 डिजिट इज 7, मतलब तीनों डिजिट 7 है तो कौन सा नंबर बनेगा, तो 777. नेक्स्ट है माय वन एंड 100 डिजिट इज 3. तो सेम हियर, यहां पे क्वेश्चन क्या है, माय वन एंड 100 डिजिट इज 3. तो वन और 100 डिजिट, वन ये रहा और 100 ये रहा. अभी मिडल में आप 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 100 एंड 1 डिजिट 3 होना चाहिए. यहाँ पर जैसे लिखे हैं माय 1 एंड 100 डिजिट इज 3, तो 1 और 100 डिजिट 3 होना चाहिए. मिडल में आप 0 लिखो, ये 303. 303 लिखो, 301 और 3 लिखो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे 1 और 100 पे 3 ही होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू विल बी सेम इन द डैश प्लेस. प्लेस वैल्यू, प्लेस मतलब यहाँ पे जैसे 100 की प्लेस पे है, 10 की प्लेस पे है या 1 की प्लेस पे है, तो वो वैल्यू विल बी सेम इन डैश प्लेस. तो कौन सी प्लेस पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो वो होती है वन प्लेस. वन प्लेस पे वैल्यू मतलब वो वंस का वंस ही रहेगा, वो चाहे वन से लेके 9 तक हो तो वो वंस ही कहलाएगा. लेकिन 10 की प्लेस पे क्या होता है, 10 से लेके 99 तक वो फिगर चेंज होते हैं. यहाँ पे 1 से लेके 9 तक एक ही होता है, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. यहाँ पे क्या हो जाता है कि 10 के बाद 11 होता है, फिर 20, 21, तो बहुत सारा आगे नंबर जाते हैं 99 तक, लेकिन यहाँ पे 1 की नहीं होती. तो आंसर क्या आएगा, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू विल बी सेम इन द वंस प्लेस. वंस प्लेस. फिर नेक्स्ट है द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 459 इज. यहाँ पे क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 459 इज. तो यहाँ पे क्या है, नंबर 459, दैट मीन 4 की, यहाँ पे 4, यहाँ पे लिखा है नंबर 4. द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 459 इज. तो 459 में 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो क्या आएगा, 400. आप इस तरह से लिख सकते हो या फिर इस तरह से 400, ये दोनों तरह से आप लिख सकते हो. ओके, फिर है, फिर मैं एक्स्ट्रा लिखा दे हूँ कि फाइव नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 524 इज. अभी यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया, थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया. द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 524 इज. तो यहाँ पे प्लेस 2 की, 2 कहाँ पे है, यहाँ पे 10 प्लेस पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2
प्लेस वैल्यू 20 या फिर आप क्या लिख सकते हो 2 10। ओके, ये दोनों चीजें आप लिख सकते हो। 6 नंबर यहाँ पर है, मैंने फर्स्ट में जैसे प्लेस वैल्यू तीनों की सेम है, सेकंड में 1 एंड 100 की सेम है, यहाँ पे मैं और एक लिख देती हूँ, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0, 5 in 345 is 345 is। यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 1 नंबर पे है। ओके, 1 नंबर पे है तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 5, या फिर आप इस तरह से लिखते हो 5 1। ओके, 5 1 क्या आएगा, 5 1। फिर 7 नंबर, अभी हमने ऑड और इवन भी सीखे थे, ऑड और इवन नंबर भी सीखे थे, तो ऑड में कौन से आएंगे, इवन में कौन से आएंगे, तो आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि राइट द ऑड बिटवीन 20 to 40। क्या है क्वेश्चन, राइट द ऑड नंबर बिटवीन 20 to 40। मतलब क्या है कि आपको ऑड नंबर लिखने हैं, मतलब सारे 1 से लेके स्टार्ट नहीं हो जाना है हमें, क्या कौन से ऑड नंबर लिखने हैं, राइट द ऑड नंबर बिटवीन 20 to 40। तो 20 से लेके 40 के बीच में जितने ऑड नंबर हो वो लिखने हैं, तो यहाँ पे आएगा 21, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37 and 39। ये तो 40 हो जाएगा। क्या होगा, ब्राइट द ऑड नंबर बिटवीन 20 to 40। तो 20 से लेके 40 के बीच में जितने ऑड नंबर है वो आपको लिखने हैं। 8 नंबर, राइट द इवन नंबर बिटवीन 10 to 30। अभी यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, राइट द इवन नंबर बिटवीन 10 to 30। तो 10 से लेके 30 के बीच में जितने इवन नंबर आते हो वो आपको लिखने हैं। तो हम 10 है तो पहले 10 भी इवन है, तो आएगा 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। ओके, तो ये हो गए आपके ऑड और इवन नंबर। ऐसा नहीं आएगा कि आप पूरे 1 से लेके 100 तक ऑड और इवन लिख दो, ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के बेस पे ही आपको ऑड और इवन लिखना है। वन टाइम सारी फिलिंग तो गाइस रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट है माय 1, 10 एंड 100 डिजिट इज 7। माय 1, 10 एंड 100 डिजिट इज 7। तो सिंपल सा है कि तीनों प्लेस पे 7 है, 100, 10 एंड 1 पे, तो फिगर कौन सा मिलेगा हमें, 777। सेकंड क्वेश्चन है माय 1, 10, 100 डिजिट इज 3। कौन सा 100 डिजिट 3 है तो कौन सा नंबर बनेगा, यहाँ पे मैंने लिखा है 303। मेन क्या होना चाहिए कि 100 पे और 1 पे 3 होना चाहिए, मिडल में आप 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, चलेगा। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर, द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू विल बी सेम इन द डैश प्लेस। तो 1 की जो प्लेस होती है उस पे वैल्यू 1 की रहती है, मतलब
जैसे टेंथ में भी 10 ही रहती है, लेकिन उसके फिगर कितने सारे चेंज होता है, हो जाते हैं ना। 10 से लेकर 99 तक के नंबर जो होते हैं वो 10th डिजिट में आते हैं, तो बहुत सारे नंबर चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक ही नंबर रहते हैं तो वो होते हैं वंस। फिर फोर नंबर, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 459 इज, आपको इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 कौन सी प्लेस पे है, तो आपको पहले इस तरह से ऐसा लगे तो साइड में जाके 100 टेंस एंड वंस कर देने हैं, फिर 4 5 एंड 9, तो 4 कौन सी प्लेस पे है, तो 100 की प्लेस पे है। तो यहां पे आप इस तरह से 400 फिगर में भी लिख सकते हो और 400 इस तरह से भी लिख सकते हो, तो इसे इस तरह से अलग उसका आंसर लिखना है। 5 नंबर, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 524, प्लेस वैल्यू किसकी लिखनी है, 2 की लिखनी है, तो 2 कौन सी प्लेस पे है वो हमें लिखना है, तो यहाँ पे कर देना है 100 10 एंड 1, तो हमें पता चल गया कि 2 कौन सी प्लेस पे है, तो 10 की प्लेस है, दैट मीन्स 20 नंबर, 10 की प्लेस पे कौन सा फिगर है, 2 है, तो 20 हुए, तो उसे 20 इस तरह से फिगर में लिखो या फिर इस तरह के 2 टेंस भी लिख सकते हो। 6 नंबर, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 345 इज, हमें प्लेस वैल्यू 5 की लिखनी है, तो 5 कौन सी प्लेस पे है, 100 10 और 1, तो 5 कौन सी प्लेस पे है, 1 की प्लेस पे है, तो यहाँ पे आंसर सिर्फ 5 लिखना है, और यहाँ पे अब ब्रैकेट में 5 1, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो 5 1s, मतलब 5 है जिसके मतलब ये नहीं कि 1 ही है, 5 1 जो है वो कितनी टाइम है, 5 टाइम है, ओके, तो 5 1s मतलब 5 पीस किसी को देने हैं और 1 कॉइन देने हैं तो कितने 5 कॉइन देने पड़ेंगे ना, तो यहां पे 5 1s। 7 नंबर है, राइट द ऑड नंबर बिटवीन 20 टू 40, ऑड नंबर लिखने हैं 20 से 40 के बीच में, राइट द ऑड नंबर बिटवीन 20 टू 40, आपको इस तरह का, यहाँ पे मैंने 20 40 लिखा है, अगर आपको और भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे 50 टू 70 लिखा होगा या 60 टू 90 लिखा होगा, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन के बेस पे ऑड और इवन नंबर लिखने हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में है ऑड नंबर लिखा है, तो ऑड जो होता है वो कौन से होते हैं, जिसकी पैर नहीं बनती है, और मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया था कि हमें सिर्फ 1 से लेके 10 तक के ऑड और इवन समझने हैं, जैसे 1 ऑड होता है 2 इवन होता है, मतलब जिसकी पैर बनती है वो होते हैं इवन नंबर और जिसकी पैर नहीं बनती है वो होते हैं ऑड नंबर। तो यहाँ पे 21, जैसे आप देखोगे कि 2 तो इवन नंबर है लेकिन 1 ऑड नंबर है, इसलिए 21 23 25 27 29 31 33 35 37 एंड 39 इतने नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, राइट द इवन नंबर बिटवीन 10 टू 30, अभी यहां पे इवन नंबर लिखने हैं 10 से लेके 30 तक, तो इवन नंबर मतलब वैसे नंबर जो पैर बन सकती है, जिसकी पैर बन सकती है, यहां पे है 10 से लेके स्टार्ट करना है, देखो यहां 20 है लेकिन 20 जो नंबर है वो कौन सा है, इवन नंबर है, इसलिए हमारा आंसर स्टार्ट हुआ है 21 नंबर से, ओके, बट यहाँ पे 10 नंबर ऑलरेडी इवन नंबर है तो हमें 10 भी लिखना ही पड़ेगा, तो 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड देन लास्ट 30 30 तक हमें लिखना है, तो इस तरह से, तो ये सारे क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझने हैं, और पॉसिबल हो तो आप टाइम लिखो, आपको लर्न हो जाए क्वेश्चन, थोड़े रीड करो 1-2 टाइम सीधा, ऐसे नहीं कि ये तो मुझे आता है मैं अभी बोल देता हूँ, तो कभी क्या होता है कि आपको आता है फिर भी जल्दबाजी में आप ऑड और इवन, यहाँ पे मेन चीज होती है ऑड, क्वेश्चन में लिखा है ऑड और यहाँ इवन लिखा है, तो वो आप देखोगे नहीं और सीधा लिखना स्टार्ट कर दोगे, तो कभी क्या हो जाता है कि आपको आता है फिर भी आप ऑड की जगह इवन नंबर लिखोगे, इवन और नंबर लिखोगे, तो वो हमें प्रॉपर ध्यान रख के लिखना होता है, तो ये फिलिंग का फ्रेंड्स प्रॉपर तरीके से लिखना। नेक्स्ट अभी मैं और कराती हूँ, उससे पहले मैं ये रॉक कर दूँ, अभी हम एक हमारा और चीज रह गई है,
की जगह अभी आपको यहाँ पे प्रीसेंडिंग और सबसेंडिंग मतलब वो सेम ही चीज होती है, लेकिन वो आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले क्या आएगा 4, तो यहाँ पे आएगा 200।
जैसे 11 आ जाता है तो ऐसे ही यहाँ 300 के बाद 301।
ये आप एकदम प्रॉपर तरीके से लिखना एकदम इजी है। ये सारी चीजों में आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये जो होता है सब्सिडिंग और डिसेंडिंग, तो आपको पहले आता था कि आफ्टर एंड बिफोर नंबर, तो आफ्टर एंड बिफोर नंबर था, यहाँ पे सिर्फ वर्ड चेंज हुआ है कि सब्सिडिंग एंड डिसेंडिंग, तो वर्ड चेंज हो गया है, बाकी और कुछ नहीं। आपने आप पहले भी आफ्टर एंड बिफोर नंबर फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में किए, लेकिन वो क्या होता था, टू डिजिट का होता है, यहाँ पे थोड़ा थ्री डिजिट हुआ है, तो हमें लास्ट नंबर पहले देख लेना है और फिर उसके आगे का या पीछे का नंबर हमें इजीली पता चल जाएगा। अभी वन एक और टॉपिक बचा है, वो मैं करा देती हूँ। यहाँ पे करना है मीडियम नंबर लिखना है, राइट द मीडियम नंबर, तो मीडियम में कौन सा नंबर आए वो हमें लिखना है। Seven hundred and
वन प्लेस पे रहती है। ऑड और इवन नंबर आपको जो पूछा है वो प्रॉपर क्वेश्चन समझ के लिखने हैं। फिर सी के प्रेसेंडिंग एंड सबसेंडिंग नंबर फिर सी के मीडियम नंबर। तो ये फोर पॉइंट टॉपिक हमने आज किए, फोर टॉपिक किए, क्वेश्चन किए, फिर प्रेसेंडिंग सबसेंडिंग एंड मीडियम नंबर लिखे। तो मैं आज ये हमारा पीरियड यहीं पे स्टॉप करें, वो नेक्स्ट पीरियड में और एक्स्ट्रा हम सीखेंगे। ये हमारा एक टाइप का रिवीजन ही चल रहा है और आप कितनी सारी चीजें एक ही लेसन में आ सकती है वो आप देख सकते हो कि हमने कितने सारे एडिशन किए, वो भी अलग अलग वे में। और ये तरह का मिडल नंबर सक्सेसिंग प्रीसीडिंग कैंसरिंग वन वर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स वो सारी चीजें की नेक्स्ट पीरियड में और भी एक्स्ट्रा करेंगे। ये पीरियड में यहीं पे स्टॉप करें। थैंक यू सो मच।